नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। भागलपुर महोत्सव का ये 14वां आयोजन और ये दूसरा दिन है भागलपुर महोत्सव का, और इस प्रोग्राम में शिरकत करने आई हुई हैं गौरी मिश्रा जी, जो कि नैनीताल उत्तराखंड की हैं और कवित्री हैं, ये नेशनल यूथ आइकॉन भी हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि क्या कुछ खास प्रोग्राम में ये लेकर आई हैं। सबसे पहले मिश्रा जी, तो स्वागत है आपका। नमस्ते, और अच्छा लग रहा है कि सिल्क चैनल आज यहाँ पे कवरेज देने के लिए आया हुआ है। सिल्क मतलब नाम से ही जाहिर है, बहुत शालीन सौम्यता और बहुत ही कहते हैं कि विनम्रता का एक गुण, क्योंकि सिल्क का मतलब सॉफ्टनेस से होता है, और उसको विनम्रता में ढाल दें तो वही बात हो जाती है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आप लोग हमेशा ऐसे ही अच्छे अच्छे कवरेज करने के लिए हर जगह जाएँ। आज जो मैं नया लेके आई हूँ, वो नया ना भी कहूँ तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बिहार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, भागलपुर के बारे में जितना सुनाया जाए उतना कम है। लेकिन कोशिश करूँगी कि अपनी कलम से मैंने बिहार की विशेषता, भागलपुर की विशेषता, यहाँ की माटी की, यहाँ के खास खास प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की जगहों को अपनी कविता में संजोने की मैंने कोशिश की है। तो उस गीत को आज यहाँ पढ़ने की कोशिश करूँगी, उसके कुछ शब्द मैं, अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, इसकी गौरव गाथा गा कर गौरी होती हर्षित अपार। जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय बिहार, साहित्य शंभु त्रिलोचन जी, बाबा नागा अर्जुन महान, है अमर फणीश्वर नाथ रेणु की कलम नुकीली शर समान, पर्वत से ऊंची सागर से गहरी बिहार की गहराई, पूरी दुनिया में गूंजित है एक बिस्मिल्ला की शहनाई, हो गई धन्य हिंदी पाकर, हो गई धन्य हिंदी पाकर, दिनकर की किरणों का प्रसार, जय जय बिहार, 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 जय जय बिहार। वाकई सारा कविता के माध्यम से बिहार का ये चित्रण आपने जो करा, अच्छा है, बढ़िया लगा। गौरी मिश्रा जी, लगातार 4 वर्षों से आप बिहार आती रहीं, विभिन्न कार्यक्रमों में, अलग अलग कार्यक्रमों में आप हिस्सा ली हैं, और ये भागलपुर महोत्सव में आपका आज आना हुआ है, तो एक अनुभव रहा होगा ये 4 सालों के दौरान बिहार को जानने का, समझने का, तभी आप लिख पाई हैं, पढ़ पाई हैं इतना अच्छा। तो खासकर ऐसा कुछ बिहार से जुड़ी बातें जो आपको ज़्यादा प्रभावित करा हो? बिहार से जुड़ी बात ये है कि बिहार को कोई कुछ कहता हो, लेकिन मेरी नज़र में बिहार में जो लोग भी रहते हैं ना, उनका दिल बहुत बड़ा है। और बिहार में जब जब मैं आई, मुझे इतना मान सम्मान, इतना प्रेम मिला है कि अगर कोई बेटी घर से बाहर अकेले अपना मुकाम बनाने के लिए निकलती है, तो अगर वो बिहार आती है, उसको बिहार मौका मिलता है, तो मैं उसके लिए यही कहना चाहूँगी कि बिहार से बढ़कर प्यार देने वाला शायद ही कोई ऐसा राज्य है जहाँ पर इतनी मोहब्बत मिले। और सबसे बड़ी बात, कुछ भ्रांतियाँ हैं जो लोगों ने बिहार के बारे में फैलाई है, पर एक बार आइए और आप बिहार के हर उस जगह पे जाकर के देखिए, जहाँ पे अब इतना विकास हो चुका है, शिक्षा इतनी आधुनिक हो चुकी है कि आप देख सकते हैं कि इतना बदलाव आ चुका है, शायद ही बिहार का वो अब इस तरह है जिस इस तरह के कारण वो भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का स्वाद, यहाँ की पूजा, यहाँ का धर्म, यहाँ का अपनापन, यहाँ की माटी की सुगंध, यहाँ का मान सम्मान, सब चीज़ मुझे बहुत आकर्षित करता है। इसीलिए 4 साल से मुझे लगातार जब भी कहीं कार्यक्रम के लिए बुलावा आता है, तो मेरी तबीयत खराब रहती है तो मैं मना कर देती हूँ, लेकिन बिहार से अगर कोई बुलावा आता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी तबीयत भी खराब है तो वहाँ जाके मुझे इतना प्रेम मिलेगा कि मैं स्वस्थ हो जाऊँगी। बिल्कुल गौरी मिश्रा जी, हम आपको बताना चाहें कि कुछ लोगों के वजह से बेशक बिहार के बारे में कुछ अफवाहें, गलत अफवाहें फैली हो, वरना बिहार वासियों तो प्यार के लिए पहाड़ तोड़ने की हमारी नियति रही है। तो बढ़ते हैं, एक अगला सवाल हमारा है कि आप यूथ आइकॉन भी हैं, कवयित्री भी हैं, तो ऐसा लोगों, जब लोग आपको टीवी पर देखते हैं, जब आपको वो देखते हैं, सुनते हैं, तो लोगों की जो, जिनके बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, वो चाहते हैं कि
कवियत्री हो, यूथ आइकॉन हो, वो गौरी मिश्रा की तरह मेरी भी बेटी बने। हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उनका बच्चा जो है सफल हो, लेकिन ये भी लोग चाहते हैं कि नहीं, अगर देखें हम गौरी मिश्रा जी को टीवी पर, उनको सुनते हैं तो एक इच्छा होती है उनकी कि उनके बच्चे भी गौरी मिश्रा की तरह ही बने। ये मेरे लिए गर्व की बात है और आपने बिल्कुल सही बात कही। अक्सर जब कार्यक्रम के बाद कुछ माता पिता अपने बच्चों को लेकर के आते हैं तो मैं सबसे पहले उन बच्चों को सैल्यूट करती हूँ कि वो कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, जहाँ एक तरफ आज लोग ऑर्केस्ट्रा नाइट कराते हैं, बड़े बड़े स्टार को बुला करके नाच गाना, हालांकि वो भी हमारे कल्चर में शामिल हो चुका है जो हमारे कल्चर से बिल्कुल विपरीत था, जहाँ एक तरफ विदेशी परंपरा कपड़ों के मामले में हावी हो चुकी है, लेकिन विदेशी लोग हमारे धर्म को अपनाते जा रहे हैं और हम उनकी कुसंस्कृति को अपनाते जा रहे हैं जो हमारे धर्म और कल्चर में बिल्कुल नहीं था। और ऐसे में अगर बच्चे कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं या जिस तरह से भागलपुर महोत्सव में कवि सम्मेलन कराया जाता है, ऐसे अच्छे अच्छे साहित्य से जुड़े कार्यक्रम अगर हो रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें देख के अगर इंस्पायर हो रहे हैं तो हम भी उनको देख के ही इंस्पायर हो रहे हैं कि अगर हमें सुनने के लिए आज की युवा पीढ़ी आ रही है, आज के बच्चे आ रहे हैं, तो हमें भी वैसा ही लिखना पड़ता है। हम ये सोच करके लिखते हैं कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए ना लिखें, सिर्फ देश और समाज के लिए ना लिखें, बल्कि हम अपने यूथ के लिए और उन नन्हे नौनिहालों के लिए भी लिखें जो आने वाले समय में हमारे या हमारे बड़े लोगों के पग चिन्हों पर चल करके साहित्य संस्कृति का विकास करेंगे और हमारे साथ हाथ से हाथ मिला करके फिर से सोने की चिड़िया जो हमारा भारत देश है वो बनाने में बिल्कुल समझदारी से हमारा सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आज सिल्क टीवी के साथ आप हैं तो मैं चाहूँगा कि खासकर बिहार वासियों के लिए और साथ ही भागलपुर वासियों के लिए कि सिल्क टीवी के माध्यम से आपकी अभी तक की ज़िंदगी में जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप साझा करना चाहती हों। भागलपुर की घटना बताती हूँ। बात यह है कि पिछली बार इसी भागलपुर महोत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया था बहुत प्रेम और स्नेह के साथ, लेकिन मैंने छठ मैया की वंदना की जो मैंने स्वयं लिखी थी और माँ शारदे की वंदना की, उसके बाद अचानक से मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मुझे बहुत उल्टियाँ होने लगी, बहुत चक्कर आने लग गया। तो कहते हैं कि जब तक कार्यक्रम ना हो तो अक्सर पेमेंट नहीं मिलती है या काफ़ी बातें बन बिगड़ जाती है, और उस वक्त भी मैं ही कवित्री के रूप में थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा नहीं बिटिया तुम अपना ख्याल रखो, तुम आराम करो, मुझे अगले दिन प्रोग्राम में भी जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरे सर पे तेल रखा, मेरी मतलब सर की मसाज करी और मेरे को बिल्कुल प्रोग्राम पढ़ने के लिए मना कर दिया कि नहीं बेटा पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना है, बल्कि अगर मैं कहीं और होती तो शायद मुझे मेरी पेमेंट भी नहीं मिलती और बहुत दिक्कत होती, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे प्रोग्राम आधे में भागलपुर में छोड़ना पड़ा था, लेकिन फिर भी मुझे इतना प्यार दिया, इतने मान सम्मान के साथ मेरी सेवा की गई कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। बहुत बुरी कंडीशन में थी और इसी कारण मैं दोबारा भागलपुर के इस महोत्सव में आई हूँ। और अब पिछली बार जब मैं तो यहाँ किसी को सर कह रही थी, किसी को मैडम कह रही थी, आज मैं सबको चाचा चाची इस तरीके से संबोधित कर रही हूँ, पैर छू रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने यहाँ प्यार देखा है, यहाँ अपने लिए केयर देखी, उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। मैम एक आखिरी सवाल होगा मेरा कि एक कलाकार होने के नाते, कवित्री हैं खासकर एक कवित्री होने के नाते, जब आप स्टेज पर रहती हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या हो जाता है? दर्शकों का ताली या तो फिर कुछ ऐसा सबसे बड़ी चीज़, मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये आपसे जानने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक कवित्री होने के नाते जब स्टेज क्या चाहते हैं? हमारा देखिए उद्देश्य ये है, और पहले हमारा उद्देश्य मैं बता दूँ, हम जब मंच पर आते हैं तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हमने जो लिखा है वो कितना सार्थक है, उसकी सार्थकता जानने के लिए सामने वाले श्रोता वहाँ से तो बोलेंगे नहीं एक एक उठ के ये अच्छा है ये अच्छा है, इसलिए हम उनकी तालियाँ चाहते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया पता चलती है उन तालियों से। अगर उन्होंने ताली बजा दी या उन्होंने वाह वाह कर दिया तो हम समझ जाते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, उसमें कोई ना कोई ऐसा संदेश है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो सामने बैठी हुई जनता यानी कि समाज, अगर समाज उसको स्वीकार कर रहा है तो यानी कि हमारा लिखना सफल हुआ। जैसे कि आप लोग हैं और पत्रकार हैं, हर कलमकार, हर ऐसे मीडिया के लोग जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं, वो आपकी भी जब तक TRP ना बढ़े, यानी कि आपने लोगों को पसंद आने वाली चीज़ जब तक नहीं बनाई, तब तक आपको लगता है कि हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये पसंद आएगी ज़रूर, हम ये इतना भरोसा है मुझे। तो इसलिए हम जब तक सामने से अच्छा रिस्पांस ना आए उस चीज़ के भूखे हम भी हैं, और शायद हर कलाकार हर कलमकार अपनी कला को तभी
सच्चा तीरथ करा पाता है जब सामने से श्रोता उसको तारीफ के रूप में तालियां देते हैं या दाद देते हैं, और सबसे बड़ी बात जब आखिर में आकर के कोई माता पिता ये कहते हैं कि हमारे बच्चे आपके फ़ैन हैं, आपकी कविताएं सुनते हैं, और हम घर जाके ये वाली कविता, जैसे कि मेरी एक कविता है, वहाँ रहते ही नहीं हैं हम जहाँ जयचंद बसते हैं, हमारे दिल की गहराई में मुक्तक छंद बसते हैं, कोई पाखंड से अपने हमें भटकाएगा कैसे, ख्यालों में हमारे बस विवेकानंद रहते हैं। क्या बात है। इस तरह की कविताएं जब माता पिता अपने बच्चों को घर जाके समझाते हैं कि विवेकानंद जैसे यूथ आइकॉन उनको अपने मन मस्तिष्क में बसाना चाहिए, बेटर देन कि हम वो राम रहीम बाबा जैसे लोगों के पास जाने की बजाय हम अपने मन मंदिर में ही राम को ढूंढें और विवेकानंद जी जैसे लोगों की राह पर चलें, तो शायद हमारा लिखना सार्थक हो जाता है और उन लोगों का सुनना भी उन्हें लगता है कि सार्थक हो जाता है। बिल्कुल गौरी मिश्रा जी, हम भी चाहते हैं आप देश की बेटी हो और सभी देशवासियों की ये उम्मीद रहती है कि आप बहुत ही आगे जाओ। इसमें हमारी एक, हम सब देशवासियों की एक उम्मीद जुड़ी हुई है आपसे, आप सफल हों, यही मेरी कामना है। बहरहाल गौरी मिश्रा जी थे हमारे साथ, नैनीताल की हैं, कवित्री हैं और यूथ आइकॉन भी हैं ये। और हमारा नाम विकास कुमार सिंह है, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, कैमरा के पीछे सलमान अनवर है। गौरी मिश्रा जी से हमारा ये बातचीत कैसा लगा, नहीं लगा, हाँ लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।